बेटे माइनस आर वाले ग्रुप देखो। इन्हें मेटा डायरेक्टिंग भी कहा जाता है। कल मैंने ग्रुप लिखवा दिए थे, कौन कौन से ग्रुप हैं? कल मैंने लिखवाए थे ना, बताओ कौन कौन से हैं। अरे आप और वाटर कहाँ से हो जाएगा वो बेंजीन के ऊपर? अच्छा और बेटे, अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूँ, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाया हमने? COH, दैट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? ठीक है, तो अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी रिंग। विधि लिख रही है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रो। बना लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे ना ब्लैंक होके नहीं बैठे। आपके मरी आर्ट्स जैसे हैं। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, देखो देख देख के बना रहे हैं विधि। इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करना आता, जब तक आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के बना रहे हो ना, इसका मतलब आपको रेजोनेंस की क्लैरिटी है ही नहीं। फर्स्ट स्ट्रक्चर चलो बच्चा बना ले, सेकंड बना ले, आप सारे बनाते हो देख देख के, तो कॉपी कैट हो। आप देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये पाई बॉन्ड यहां चला गया तो ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर गया, यही हुआ ना। अब इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये जो बॉन्ड है इधर जाएगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करे। अब क्योंकि ये इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कम हो गया। अब अगर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इसको था कि मैं इसके पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करूं, मगर इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये वापस यहाँ ट्रांसफर हुआ कि ये बिल्कुल स्टेबल स्ट्रक्चर फिर से बने। इसमें है क्या? जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन वहां से दूर हटते जाते हैं, ये फर्क होता है बस। 10th में नहीं हो, मैं अगेन आपको बोलूं, स्पून फीडिंग नहीं चलनी, चेंज कर लो, प्लीज चेंज योर सेल्फ, इट्स हाई टाइम नाउ। योर 11th इज गोइंग टू बी फिनिश्ड विद इन 2 मंथ्स एंड यू विल बी इन द बोर्ड क्लास, एंड स्टिल यू आर थिंकिंग दैट सम स्पून फीडिंग विल गो ऑन। नो, अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, आप मुझे खुद बताओ कि पॉजिटिव चार्ज आपको किस किस पोजीशन पे नजर आ रहा है। हरी अप,
मेटा पे आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? आ रहा है कोई चार्ज मेटा पे? जब हमने कल प्लस आर वाले करे थे तब कोई चार्ज नजर आया था? तब भी देखो कोई चार्ज नजर आया था मेटा पे? कोई भी आर इफेक्ट नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तब भी ऑर्थो पे जाता है और पैरा पे जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तब भी ऑर्थो और पैरा से ही खींचा जाता है, ठीक है। जब हमने कल प्लस आर वाले करे तो हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे गया, गया ना, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मेटा पे तो उतने ही है। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास और कोई चारा नहीं है मेटा के पास जाने के अलावा। अगर मैंने बेंजोइक एसिड लिया है, अब इसकी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊं, तो अगर मैं हैलोजनेशन करवाऊं तो मुझे मेटा पोजिशन पे क्लोरीन मिलेगी। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके अटैक कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसको ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, जिसके पास खुद ही कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई चारा नहीं बचेगा मेटा के अलावा, इसलिए इन ग्रुप को कहा जाता है मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप। आप ये बात हमेशा याद रखना, मेटा पे ना कोई माइनस आर लगता है ना कोई प्लस आर, ये मिथ है। अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो ऑर्थो पैरा पे दिए जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो ऑर्थो और पैरा से ही लिए जाते हैं। अगर जब ऑर्थो और पैरा से ले लिए जाते हैं तो आने वाले ग्रुप के पास कोई चारा मेटा के ऊपर अटैक करने के अलावा, इसलिए इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। समझ आ रही है? इसी वजह से ये नहीं कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू रहता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं तो मेटा पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल। अब क्लास प्लस टू में एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो कि ये बेंजोइक एसिड है जिसकी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, तो बट ऑब्वियस है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो आप नाइट्रेशन कराओ, चाहे आप फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओ, चाहे असाइलेशन करवाओ, चाहे हैलोजनेशन करवाओ, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आप मेटा पोजीशन पर अटैक करवाओगे और कोई पोजीशन पर अटैक नहीं करवाओगे। समझ आ रही है? अब वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अगर इसकी जगह पे मैं कोई कीटोन कर दूं, यहाँ पे हम कोई कीटोन लगा दें, कोई भी कीटोन, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, मगर अब आप खुद बनाओ, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, या एल्डिहाइड ले लो, कुछ मर्जी ले लो, हरी अप, स्ट्रक्चर वही रहेंगे, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑर्थो पैरा पे आप भी स्कूल में आने शुरू हो जाओ, फिर आपकी चैट अब पड़ी नहीं जाती, बीच बीच में रह जाती है। पहले मेरा ध्यान इसके ऊपर होता था, वहां है, तो जो घर बैठे आना शुरू कर दो। ठीक है जी, चलो आप भी फिर टॉफी के लिए आ जाते, अगर वो टॉफी के लिए आए हैं। मैं लिख रहे हैं वो बच्चे जो बैठे हैं वो टॉफी के लिए आए हैं। हाँ जी, हो गए। तो इसका मतलब कोई भी कीटोन ग्रुप भी ऊपर अटैच होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा?
मेटा पोजीशन पे, समझ आ रही है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे ही जाएगा जब ये ग्रुप लगे होते हैं, इन्हीं कहते हैं मेटा। हाँ जी, तो फिर मेटा पे अटैक करेगी। अब ऑर्थो और पैरा पे तो उसको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन बन के नहीं आती, क्लोरीन क्लोरीनियम आयन बन के आ रहा है, सीएल पॉजिटिव। सीएल पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज पे अटैक कर सकता है? नहीं, वो अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, उसको ऑर्थो पैरा पे नजर नहीं आ रहे हैं, उसको मेटा पे नजर आ रहा है, समझ आ रही है? तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जितनी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी, कौन कौन सी करी थी, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये क्लास 12th तक कंटिन्यू रहेंगी। कोई भी हम चैप्टर करेंगे, चाहे आप हेलोरीन्स करोगे, चाहे आप एल्डिहाइड कीटोन्स करोगे, चाहे आप नाइट्रो कंपाउंड करोगे, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में आया करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सारी रिएक्शन फिर से आएंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप कौन सा है, तब मैकेनिज्म नहीं होता, सिर्फ ग्रुप पता होना चाहिए कौन सा अटैच है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगी, अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे ही अटैक करेगी, समझ आ रही है? इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रो ग्रुप का फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ, बाकी अपने आप बनाओ, सेम बनेंगे। ये देखो नाइट्रो ऐसे होता है, N, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इधर जाएगा और डबल बॉन्ड वाला यहां चला जाएगा। चलो अब बाकी बनाओ। याद रखना बेटे, इलेक्ट्रॉन वही देते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। हाँ जी, हाँ वो कोऑर्डिनेट होता है, कोई बात नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, ठीक है। इसमें हमें एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं होती, इतनी ही कोऑर्डिनेट। हरी अब इसके बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड, और हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में रियल गैस इक्वेशन रह गई है, वो हमें मैंने करवा देनी आप। बन गए, देखो कितने स्लो स्लो बनते हैं, अभी फास्ट फास्ट हो रहा है ना बस। तो अभी भी हमारा ऑर्थो और पैरा पे क्या रहा है बेटे, पॉजिटिव चार्ज, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा, ठीक है जी। इन केस ऑफ हैलोजिनेशन, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, अच्छा अगर आयोडीन, अगर आप बेंजीन के ऊपर अटैक कराओ आयोडीन का, करवाओ जरा बेंजीन के ऊपर आयोडीन का अटैक करवाओ, ये भी कंसेप्ट बता दिया हूं। बेंजीन के ऊपर बेटे आयोडीन का अटैक करवाओ, तो हम कुछ इस तरीके से करवाएंगे। I. इस तरीके से करवाएंगे, हमने करवाया ना क्लोरीनेशन अटैक, तो ऐसे अटैक करवाया था, लुईस एसिड लिया था, हैलोजन क्लोरीन ली थी, क्लोरोबेंजीन बना था और साथ में HCl निकल गया था, हाइड्रोजन यहां से
ठीक है जी, और आई यहां से एक आई ने टैग कर दिया और एक आई इस एच के साथ जहां पे लगी है उसके साथ निकल गया। यही थी ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद आई कुछ? मगर बेटे ये रिएक्शन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, ठीक है, ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, नहीं क्रोमाइड वाली नहीं करनी, ठीक है जी। क्यों करवाई जाती है बेटे? जो एच आई है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हम क्लास प्लस टू में पी ब्लॉक करेंगे, हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, HCl, HF, HBr, HI, HI में हाइड्रोजन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है, इसलिए थर्मली अनस्टेबल होगी, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी से हाइड्रोजन दे देगी और इसलिए अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फिर से इसको हाइड्रोजन देके और रिएक्शन रिवर्सिबल करवा देती है। समझ आ रही है? तो हमने ये रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड या जैसे कि आईडी एसिड HIO3, जो इस HI को से आयोडीन निकाल देता है, मतलब इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होती, बैकवर्ड तो तभी होगी ना जब ये एच इसको मिले और ये बेंजीन बने, जब इसको ही हम यूज करवा देंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगी। इसको यूज कैसे करवाएंगे? इसकी ऑक्सीडेशन करवा के, हमने तो अपने रिएक्टेंट ही बढ़ा दिया, एच आई से हमने आयोडीन और बना दी। समझ आ रही है? तो जब आपने हैलोजनेशन में आयोडीनेशन करनी होती है, तो ये हमने एल्केन्स में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, एल्केन में भी करी थी ना, तब भी ये कंसेप्ट बताया गया था आपको कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तब हमने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आप सीधा जैसे फ्लोरीन भी अटैक नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक्सोथर्मिक थी, कुछ याद हो तो स्वार्ट्स प्रोसेस करवाते थे, ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके पढ़ा करो, पेपर तो अड्डे बेटे, पेपर हमारे नहीं है, प्लस वन आप कर रहे हो, हम कर चुके हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल आपने रखी है, हम रख चुके हैं, हम गाइड कर सकते हैं कि इस क्लास में आपने पढ़ना कैसे है। इस क्लास में आपको शेर बन के घूमना पड़ता है, 2 साल सब कुछ भूलना पड़ता है, सिर्फ बुक्स ही सामने होती हैं बच्चों के। फर्स्ट ईयर जो तो बच्चे स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर लेते हैं प्लस वन में, वो उनका बेस बनना शुरू हो जाता है, जो एंड तक ट्यूशन ही चेंज करते रहते हैं, शायद ट्यूशन टीचर सही नहीं पढ़ा रहा या कुछ ऐसे, उनका तो पता नहीं क्या होता है। क्योंकि ये मेडिकल नॉन मेडिकल एक सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है, जिन्होंने खुद पढ़ना सीख लिया ना उनको आना शुरू हो गया, समझ के खुद पढ़ना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए डिपेंडेंट होनी है, अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी करने के लिए करनी है। पर आपको बोले कि बचपनों की तरह आजकल आपका ये टेस्ट है जी याद करके आना, वो बच्चे कामयाब नहीं है कि टेस्ट आने से याद करेंगे, पहले ही सब कुछ याद होना चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाओ टीचर से। समझ आ रही है? क्योंकि कुछ कंसेप्ट अपने आप क्लियर नहीं होते, कभी कभी कुछ समझ के क्लियर होते हैं, पर अपने बिहाफ पे अपनी प्रिपरेशन हमेशा रखनी है, जैसे फाइनल एग्जाम की रखते हो, तभी तो आपने जेई के पेपर देने, जेई के यहाँ प्लस वन करनी औखी पड़ी है। अब आजो, स्टेट्स ऑफ मैटर का एक रियल गैस इक्वेशन हमारी रह गई थी, तो हम जरा रियल गैस इक्वेशन भी कर लें। क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू mRT। अब आ गई रियल गैस इक्वेशन, देखो
आइडियल क्या है, आइडियल स्टूडेंट क्या है जो अच्छे अच्छा पढ़े, गुड गुड मार्क्स ले, टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, ये आइडियल हम सोचते हैं ना, दैट इज आइडियल वन, जो पेरेंट्स का भी कहना माने, और आइडियल टीचर आपके लिए क्या है जो आपको कुछ ना करे, आपको खुले खुले से मार्क्स दे, है ना, आपकी पूजा करे कि आप कुछ नहीं करते कोई बात नहीं, ये आइडियल आपकी है, आपकी माइंड में ये है, शायद जो इम्पोर्टेंट बता दे वो आइडियल है, हमें आप ये चीजें, ये मिथ है, आइडियल इज मिथ, आइडियल सिर्फ भगवान है, समझ आ रही है, आइडियल कोई इंसान नहीं हो सकता, आजकल के युग में तो कोई भी नहीं हो सकता, आइडियल है जो हम सोचते हैं कि आइडियली किसको बिहेव करना चाहिए, मगर असल जो रियल वर्ल्ड है वो यही है, रियल वर्ल्ड यही है कि बच्चे नंबर के लिए टीचर को मुंह पे रिस्पेक्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड ये है, जो टीचर्स को भी पता होता है, टीचर्स को भी एक ये पता होता है कि कौन मुंह पे रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई किसी किसके दिल में रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम इस लेवल पे खड़े हैं, हमें सब पता चलता है, ठीक है जी, ये रियल वर्ल्ड है, हमें पता है रियल क्या है, हमें भी पता है कि फेक क्या है, तो हम रियल वर्ल्ड में जीते हैं, वैसे ही आइडियल गैस कोई नहीं होती है, रियल गैस आइडियली बिहेव कर सकती है कुछ कंडीशंस पे, वो कंडीशन क्या होती है बेटे, जब आप लो प्रेशर कर देते हो और हाई टेम्परेचर कर देते हो, वो एक कंडीशन है, एक लो प्रेशर लगा दोगे तो आप गैसेस को पास नहीं लेके आए, मॉलिक्यूल्स को पास नहीं लेके आए, वो अलग अलग पड़े हैं, हाई टेम्परेचर लगाओगे तब भी वो अलग अलग पड़े हैं, वो अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, वो किसी के भी प्रेशर में नहीं है, अपनी आजादी से घूम रहे हैं, समझ आ रही है, तब रियल जो चीज है वो आइडली बिहेव करती है, अदरवाइज हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, उसने रियल ही बिहेव करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने आइडियल कंडीशन बता के बनाई है, उसको हम रियल कैसे बनाए वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ रही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम कर चुके हैं, दिस इज पीवी इज इक्वल टू NRT, ठीक है, पहले तो बेटे एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जो होता है PV इज इक्वल टू NRT, जिसमें Z होता है NRT बाय PV या PV बाय NRT, ठीक है जी, या PV ऐसे लिखो PV बाय NRT, ये Z है, ठीक है, ओके, इधर ले लो आप इस Z को, Z इज इक्वल टू PV बाय NRT, Z क्या है बेटे, Z एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जब Z इज इक्वल टू 1 होता है इसका मतलब वो गैस क्या है, आइडियल है, जब Z इक्वल टू 1 है इसका मतलब गैस क्या है, आइडियल है, क्योंकि Z 1 का मतलब है ये PV इज इक्वल टू NRT बोला, इसका मतलब ये इक्वल है दोनों, आइडियल गैस इक्वेशन, अब Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, जब Z ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन सी डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, जब Z लेस देन 1 है, कम है, तो किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है जी, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उस गैस को कहते हैं हम कंप्रेस ज्यादा कर सकते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, आइडियल गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं जी, ठीक है, Z अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब वैल्यू ज्यादा बढ़ गया, ठीक है जी, जब वैल्यू बढ़ गई तो आप इसको इतना कंप्रेस नहीं कर पाओगे, अब कंप्रेस किन गैसेस को नहीं कर पाओगे, जिनमें फोर्सेस कम होंगे, जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम की बात करूं मैं, हाइड्रोजन की बात करूं जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, ठीक है, जिनमें पोलैरिटी है ही नहीं, तो इनका Z क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, इनको कंप्रेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कौन सा ये
अच्छा इसको ग्राफ से अंडरस्टैंड करो बेटे, होगी पढ़ाई आपको। ठीक है जी, ग्राफ है ये, जेड है, जेड इज इक्वल टू वन है तो ये आपकी कर्व आती है। देखो ग्राफ में इंपॉर्टेंट है, बनाओ जरा, बनाओ एक बार फिर मैं बोलती हूँ, 10 मिनट रह गए, टाइम आपको हो रहा है, जल्दी करो। ठीक है जी, ये वर्सेस प्रेशर है। अब बेटे आपकी गैसेस है, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें पोलैरिटी है या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड में फिर भी पोलैरिटी है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस वे में आता है। समझ आ रही है? डिप आ जाता है, मतलब जेड लेस देन वन हो जाता है। ये वन है ना यहाँ पे, अब ये जेड लेस देन वन हो गया क्योंकि इन गैसेस को हम जल्दी कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी है। अब जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैस हो तो उसकी कर्व कैसे आएगी, क्योंकि इसकी जेड ग्रेटर देन वन हो जाएगा, समझो इस ग्राफ को, तो इसको कंप्रेस हम कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज वाई इनकी कर्व ऐसे आएगी। हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेशर देखो ये ग्राफ को समझो, जेड जेड है, प्रेशर है, प्रेशर आप इंक्रीज करते जाते हो तो ये कंप्रेस होती जाती है कुछ लेवल तक, अगर इसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उनमें रिपल्शन बढ़ जाएगी तो फिर से इधर से जाना शुरू हो जाता है ग्राफ। समझ आ रही है? इन केस में जेड की से ज्यादा वैल्यू ये वन है तो ये ज्यादा वैल्यू है, आप प्रेशर इंक्रीज आपको बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा इनको कंप्रेस करने के लिए, और जब प्रेशर जीरो है, प्रेशर है ही नहीं तो ये आइडली बिहेव कर रही है, तो जेड इज इक्वल टू वन आ रहा है, चाहे वो ये गैस है, चाहे वो गैस है, चाहे वो ये गैस है। समझ आ गई है? ऐसे बेटे जिनमें पोलैरिटी है जैसे मिथेन है तो थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाएगी कि इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मिथेन में हाइड्रोजन भी आ गया अकेली, कार्बन है तो इनमें जैसे अकेला हाइड्रोजन है के मॉलिक्यूल है उनमें इसका मोलर मास कम है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर मैं मिथेन जैसा मॉलिक्यूल ले लूँ उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि मास बढ़ गया तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन वन हो जाएगा। समझ आ रही है जी? हाँ जी, ऑनलाइन वालों बीच बीच में इनका भी ख्याल रख लिया करें। ठीक है जी, ओके। वैसे बेटे अगर हम स्टडी करें जैसे हमने रियल गैस इक्वेशन देखी थी ना, जो बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ ये कहता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व कहा, तो उन्होंने कहा आइडियल गैस की तो कर्व ऐसे आती है, रियल गैस की कर्व कुछ इस तरह की आती है। देखो आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा इतना, प्रेशर डिक्रीज हुआ यहाँ पे कम की तरफ जा रहे हो ना, कम हो रहा तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, समझ रहे हो? पर रियल गैस में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो रियल गैस जो है आइडियल गैस है तो वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई कर रही है, समझ रहे हो इस बात को? अगर रियल गैस है, ये रियल गैस की कर्व है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है, इस कर्व को समझो क्या बताती है। आपको ये याद नहीं करनी कर्व, आपकी बुक्स में गिवन होती है पर बच्चे क्रैम करते हैं, ऐसे हैं तो ऐसे है, ऐसे नहीं समझना, ये समझो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही है गैस। ठीक है जी, आइडियल गैस के हिसाब से रियल गैस, मगर उतना अगर रियल गैस है वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी, आइडियल बच्चा के हिसाब से टीचर अगर कम भी समझाएगा, समझ गया, समझ आ गई, रियल बच्चा ऐसा नहीं है, उसको दिमाग डांटना पड़ता है, थोड़ा कुछ कहना भी पड़ता है हमें, समझ गए?